भाई एक तो कराची में देखें पिछले 4 दिन से बारिश का मसला था और अभी पूरा शहर बंद है, ठीक है, टावर बंद है, सब कुछ बंद है। ऊपर से यहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग के ऊपर इनका एहतजाज चल रहा है। देखें जो पढ़े लिखे लोग हैं, सारे बड़े हाई प्रोफाइल फैमिली के लोग हैं जिन्होंने सड़क बंद करी थी एहतजाज के लिए, तो आप देख सकते हैं इनका एहतजाज चल रहा है। ये सड़क बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे टावर ऑलरेडी बंद है, उसके बाद ये सड़क बंद करेंगे तो फिर जाएंगे कहाँ से। पूरा शहर ऑलरेडी बंद है पानी से भरा हुआ और बारिश का, उसके बावजूद अब ये बिजली के ऊपर एहतजाज हो रहा है और एहतजाज के बाद ये सड़क बंद है, नजर आ रही है आपको। ये अभी इलाके के लोग हैं ये सड़क बंद करने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखें कहीं से लोग अभी घुस रहे हैं, थोड़ी देर पहले ही इन्होंने सड़क बंद करी है और ये पूरा ही देखें आप, दूसरी सड़क भी बंद है और ये सड़क भी बंद है। ये सड़क सीधी माइकलाची की तरफ जाती है और ये टावर से आ रही है, माइकलाची की तरफ जा रही है। यहाँ भी लोग बहुत परेशान हैं, लोड शेडिंग की वैसे एहतजाज चल रहा है। ये आप देख सकते हैं सारे लोग बैठ गए और ये बड़ी फैमिली से लोग हैं, कोई छोटे लोग तो है नहीं। देखिए आप इनके, ये इनका कहना है कि इनके घर चार दिन से लाइट नहीं है और पीछे लोग भी एहतजाज कर रहे हैं। वो देखिए वो लोग भी जो है जिनको रोका जा रहा है वो भी एहतजाज कर रहे हैं कि उनको जाने दिया जाए, लेकिन अब मसाइल ऐसे हैं कि नगर में ये बिजली की लोड शेडिंग की वजह से ये एहतजाज हो रहा है और ये मेन सड़क है माइकलाची की, अगर ये बंद हो गई तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाएगा। पीछे वो देखें, पीछे पुलिस भी खड़ी हुई, सारे ट्रैफिक पुलिस मौजूद है और ये एहतजाज। अस्सलाम वालेकुम, बहुत क्या हैं आप? मैं भी बस घर जा रहा था, बड़ी मुश्किल से निकला हूँ मैं यहाँ से, उससे पूरा टावर कर रहे उन्होंने हमें अंदर से एक जगह दी है वहाँ से निकलने की, जहाँ सारा ट्रैफिक वहाँ पे 200 फीट पानी है ब्लैक कलर का, उस पानी के अंदर से बाइक निकालना एक बहुत बड़ा इम्तिहान था और यहाँ आए तो ऊपर से एहतजाज चल रहा है। ये तरफ पढ़े लिखे बड़ी हाई फैमिली के लोग हैं इनके, मैं उन्हीं के अपार्टमेंट से एम पी ए बैठी। अच्छा अच्छा, पीपी की एम पी ए बैठी हुई है, तो ये इंतजार चल रहा है। जिनको रोका गया वो ही लड़ने के लिए तैयार हो गए, जबरदस्ती गाड़ी निकाल रहे हैं, ये एहतजाज हो रहा है। ये देखें आप, ये अभी जबरदस्ती गाड़ी निकाल के लिए जिनको रोका गया था एहतजाज के मुजाहरीन जो है, एक बिजली के ऊपर एहतजाज है, ऊपर से शहरी आपस में लड़ रहे हैं, मुजाहरीन से आपस में लड़ रहे हैं, उधर से पुलिस आ गई है इनको बचाने के लिए। ये आपको बराहरा साहब हम आपको दिखा रहे हैं, उधर सिक्योरिटी भी आ गई है। ये माइकलाची की सड़क है, कराची की मेन माइकलाची है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं अमेरिकन एम्बेसी के बिल्कुल सामने हो रहा है जो कुछ हो रहा है, कराची अमेरिकन एम्बेसी के बिल्कुल सामने ये एहतजाज हो रहा है बिजली की लोड शेडिंग के ऊपर। ऊपर से ये जो लोग हैं जो आगे से रुक रहे हैं, जिसका बस चल रहा है वो निकल के जा रहा है, लेकिन ये एहतजाज है तो आपस में शहरी लड़ रहे हैं, उधर से पुलिस एहतजाज से लगाने की कोशिश कर रही है। देखें आप, ये देखें आप, इनके घर में बिजली नहीं है, वो लोग एहतजाज करें। एहतजाज में पीपल्स पार्टी की एमपी भी शामिल है, खातून एमपी है, वो खुद मौजूद है एहतजाज के अंदर, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें सारे, देखिए आप ऊपर से पुलिस आ गई है, पुलिस ने चिल्ला दिए।
ख़त्म करा रही है, ये पुलिस एहतजाज ख़त्म करा रही है। ये अभी का वाक्य है कराची के 30 अगस्त की शाम का ये वाक्य देखिए, हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं अमेरिकन एम्बेसी के सामने। ये एमपी खुद बात कर रही है पुलिस के सचिव से, ये देखें आपको हम बता रहे हैं, ये एमपी खुद है पीपल्स पार्टी की एमपी है, पुलिस स्क्वाड भी गुजर रहा है। फिर ऐसे फिर दोबारा सड़क बंद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, स्काउट जा रहा है ज़बरदस्ती तोड़ के। ये देखें पुलिस वाले ही हरकत कर रहे हैं, दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये पुलिस ने बातचीत करके एहतजाज ख़त्म कराया है, वो इनका मसला हल कराने के लिए लेके जा रहे हैं के इलेक्ट्रिक के दफ्तर, जिनके दफ्तर मेन के इलेक्ट्रिक का दफ्तर है, कस्टमर केयर सेंटर देखा है आपको नजर आ रहा है। दोस्तों ये एहतजाज हो रहा था, ये एहतजाज अब ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पुलिस जो खुद इन्वॉल्व हो रही है और जाके इस मसले को हल करा रही है। देखें आप ये के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने बिल्कुल एहतजाज रहा, मुजाहरे वहाँ चले गए। अब क्योंकि इनके घर पिछले चार दिन से बिजली नहीं है, इस वजह से एहतजाज चल रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ सड़क क्लियर हो चुकी है, अब ये के इलेक्ट्रिक दफ्तर के पास चले गए हैं पुलिस बात करने के लिए। जा तो दिखा रहा हूँ, अभी एक सड़क बंद है, अभी भी नजर आ रहा है सड़क। एक सड़क खुल गई, दूसरी सड़क अभी भी बंद पड़ी हुई है, आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये सामने में अमेरिकन एम्बेसी, उसके सामने के इलेक्ट्रिक का दफ्तर, इसके ऊपर एहतजाज हो रहा था। अब एक सड़क खुलवा दी है पुलिस ने, दूसरी सड़क नहीं खुलवाई, वो भी बातचीत के लिए जा रहे हैं। देखिए अब आपको आगे सड़क बंद नजर आ रही है, हमारे चैनल हर पल टीवी को सब्सक्राइब करें और चैनल बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।